हेलो एंड वेल्कम टू गेट एडमिशन। माय सेल्फ हिमांशु, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के बारे में, जो कि यमुनानगर में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो अगर आप लोग BDS करना चाहते हैं, BDS का एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, तो घबराइए मत। आज मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। यहां की फीस स्ट्रक्चर, यहां की एलिजिबिलिटी, यहां पे आपकी प्लेसमेंट, यहां का बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड इवन अगर आपका नीट में थोड़ा बहुत कम स्कोर भी है तो भी कैसे आपका यहां पे एडमिशन हो जाएगा, तो वो सारी बातें इसी वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज इन मतलब हरियाणा, यमुनानगर में लोकेटेड है। 2011 में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड ये जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड है DCI यानी डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप BDS कोर्स कर रहे हैं तो डेंटल कोर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, वैसे इस इंस्टीट्यूट में कई सारे कोर्सेज हैं, UG PG दोनों ही आप कर सकते हैं। ठीक है, फुल टाइम और यहाँ पे मतलब IGS कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए भी सारी चीजें अवेलेबल हैं। बट हम BDS के बारे में बातें करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को, कैसे कैसे यहाँ का प्रोसेस है। तो देखो, BDS की अगर टोटल सीट के बारे में आपको बताऊं तो टोटल 100 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस कॉलेज का वो है यहाँ की फैकल्टी और यहाँ का पेशेंट फ्लो, मतलब हॉस्पिटल का, और इवन जो आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिलता है वो, तो वो उसके लिए मतलब मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी ज्यादा एक अच्छी चॉइस होने वाली है। फैकल्टी आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, साथ साथ आपको प्रैक्टिकली वो चीज सीखने को मिल जाती है। तो बस ये सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन आगे बढ़ते हुए हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि भैया एडमिशन कैसे होगा, फीस की क्या प्रोसेस है एंड एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, फीस की अगर आपको बताऊं तो 9 लाख विद हॉस्टल आपको ये जो मतलब कॉलेज है इसमें आपका एडमिशन मिल जाएगा गेट एडमिशन के थ्रू। अगर आप कॉलेज के थ्रू एडमिशन लेने जाएंगे तो यार देखो आपको यहां पे मतलब 13 लाख अप्रोक्सीमेटली एडमिशन मिलने वाला, बट हम 9 लाख में आपका एडमिशन करा देंगे इस इंस्टीट्यूट में विद हॉस्टल। उससे पहले मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, नीट में आपका क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, मतलब नीट की क्वालिफाइंग कट ऑफ थी, वो थी 137 जनरल के लिए एंड 107 थी आपकी OBC SC और ST के लिए। इसके अलावा अब मैं इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आपको बताऊं, एक्सपेक्टेड गाइस बिल्कुल फिक्स नहीं है, आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में भैया ये तो गलत आ गई, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बोलोगे नहीं एक्सपेक्टेड है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, 140-142 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल की, 110-115 OBC SC ST की कट ऑफ है इस साल की एक्सपेक्टेड। तो अगर अब आप लोगों ने आंसर की से अपने आंसर्स मिला लिए, आपको पता है कि आपकी एक्सपेक्टेड कितनी आने वाली है, ठीक है कितना स्कोर आने वाला, तो आप BDS में एडमिशन ले सकते हैं, गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हैं और अभी से अपना एडमिशन बुक करा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई नहीं होगा, मतलब इजीली आप कॉल कीजिए, जो स्क्रीन पर दिया नंबर है, व्हाट्सएप लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके हमने टेक्स्ट कीजिए, तो जैसे भी करना आप कॉल कीजिए और अपना एडमिशन बुक कराइए क्योंकि बहुत ज्यादा लेट ना हो जाए आपके एडमिशन से पहले। ठीक है, तो कॉल कीजिए गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए। एंड अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो, प्लेसमेंट के जितने भी रिव्यूज मैंने पढ़े हैं उसमें मेरे को मोस्टली लगा है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट से। जो इनका मिनिमम पैकेज है वो भी 2.2 लाख के आसपास है जो मैंने देखा था। ठीक है, 2.2 लाख के आसपास इनका मिनिमम पैकेज है। उसके अलावा यहां से अगर आप ऊपर बढ़ते हैं तो 3 लाख-4 लाख तक आपका पैकेज जाता है एवरेज पैकेज। ठीक है, तो अगर इतना भी मिल रहा है ना यार स्टार्टिंग में तो ठीक है। अब यहाँ के खुद के हॉस्पिटल में भी यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है, इंटर्नशिप ये खुद ही प्रोवाइड कराते हैं एंड आप खुद का डेंटल क्लिनिक भी खोल सकते हैं जो कि गुड इनफ हो, आप उसकी एजुकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हो, तो आपके लिए काफी ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं डेंटल कोर्स करने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं एंड स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिलती है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे बचता है कि फैसिलिटीज क्या है भैया वो बता दीजिए। तो फैसिलिटीज में देखो, मैंने आपको बताया यार मतलब एजुकेशन वाइज तो काफी ज्यादा परफेक्ट है ये, आपको लैब्स वगैरह वो भी बढ़िया मिलते हैं, बट उसके अलावा यहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज बताता हूँ, कैंटीन, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई एनेबल कैंपस, AC क्लासरूम्स, लाइब्रेरी विद फुली इक्विप्ड बुक्स एंड मतलब जनरल्स। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज मिल देंगी, जिमनेजियम और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी सब मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा कमाल का है। तो आई थिंक अब ये सारी चीजें आप और भी अगर आपको कुछ जानना है, एडमिशन लेना, तो गेट एडमिशन को कॉल करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।